हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निशास वर्ल्ड। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन क्लिक करने में तो ऑल वाला ऑप्शन को भी क्लिक करने ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिले। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इफ्तार की एक रेसिपी जिसका नाम है चिकन नगेट्स, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। नगेट्स बनाने के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए। मैंने हमें 200 ग्राम ऑफ बोनलेस चिकन ले लिया। उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सब हाफ टी स्पून ऐड किया मैंने, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। मैंने हमें ब्रेड था उसको ग्राइंड करके उसका क्रम्स बना के उसे ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। फिर सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे मिक्सिंग जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास अगर फूड प्रोसेसर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसे ग्राइंड करने के लिए। चलिए मैं इसमें डाल के इसे सब ग्राइंड करके लेके आती हूँ। देखिए मैंने ग्राइंड करके लेके आ गया, आप देख सकते हैं एकदम ऐसा कंसिस्टेंसी में आपको मिलना है। बिल्कुल पानी होना नहीं चाहिए, अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो ये राउंड नहीं होगा। चलिए मैं अभी इसका शेप दे देती हूँ। शेप देने के लिए मैंने एक स्पून का मदद ली है। स्पून में इक्वली साइज में डिवाइड करूँगी मैं, ये देखिए ऐसा करके इक्वली निकालूंगी ताकि मेरा हर एक बॉल एक ही साइज़ का बने। चलिए अभी मैं इसे राउंड करके इसको शेप दे दूँगी। जो शेप चाहिए आप दे सकते हैं, मैं राउंड शेप दे रही हूँ। जैसा हमारा कटलेट होता है मैं वैसा शेप दे रही हूँ, आपको जो शेप चाहिए आप दे सकते हैं। देखिए पहला वाला रेडी हो चुका है। अभी फिर निकाल के हम सारा बना देंगे ऐसे ही सेम। स्पून की मदद से पहले निकाल देंगे फिर उसको शेप दे देंगे। चलिए और एक टुक बना दिया मैंने, वैसा ही हम सारा बना देंगे स्पून की मदद से। सेम साइज में मिल जाता है हमें, देखिए अब देख सकते हैं मैंने सारा बना दिया। टोटल हमें 11 टुक मिला है, 11 नगेट्स। तो हम अभी इसका कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए मैंने हमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून मैदा ले लिया और एक बोल में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ले लिया। जो मैदा और कॉर्नफ्लावर है उसमें हम ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से, फिर इसे साइड रख देंगे। फिर हम और एक मिक्सर बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक बोल में थोड़ा सा मैदा, पानी, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। आप इसके जगह नॉर्मल एग बीट करके भी ले सकते हैं। मुझे एग यूज़ नहीं करना था इसीलिए मैंने ये यूज़ किया है। आपको अगर ये नहीं करना है तो एग यूज़ कर सकते हैं। कोट करने के लिए आपको सबसे पहले जो हमारा मैदा का जो मिक्सर है उसमें आपको कोट करना है, जो मैदा और कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है उसमें कोट करने के बाद हमारा जो मैदा का बैटर है उसमें डिप करेंगे। अगर ये मैदा का बैटर की जगह आप एग भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करके ये रेडी हो चुका है। ऐसा ही आपको सारा को ऐसा ही कोटिंग करना है। चलिए पहला वाला रेडी हो चुका है, अब हम सेकेंड वाला को कोटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं पहला रेडी हो चुका है हमारा चिकन नगेट्स। वैसे ही हम हमारा दूसरा वाला भी कर देंगे। पहले हमारा कॉर्नफ्लावर और मैदा का मिक्सचर में डिप जो पाउडर में डिप कर लेंगे, फिर उसके बाद बैटर में डिप करेंगे, फिर हमारा जो ब्रेड क्रम्स है उसमें डिप करेंगे। ये देखिए दूसरा, सबको मैंने ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर दिया। इस स्टेज में आपको चाहिए तो इसको फ्रीज कर सकते हैं और जब आपको यूज़ करना है तब यूज़ करेंगे। चलिए हम फ्राई कर लेते हैं। इसलिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल कर रख दिया है। चलिए हम फ्राई कर लेते हैं। मैं सबको फ्राई नहीं कर रही हूँ, बस 5-6 फ्राई कर रही हूँ, बाकी मैं स्टोर कर दूँगी। जब चाहिए रहेगा उस टाइम उठाकर फ्राई कर लूँगी। आप भी ऐसा ही स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फ्राई कर लेते हैं, एकदम लो स्पीड में रख के आपको फ्राई करना है दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि चिकन हमारा अनकुक चिकन था, इसीलिए आपको लो फ्लेम में रख के अच्छे से कुक करना है चिकन को। ये देखिए आप देख सकते हैं पलट के कुक करते रहिएगा ताकि दोनों साइड इक्वली कुक हो। आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा।
चलिए हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। चलिए सारा निकाल देते हैं, फिर से सर्व करेंगे। हमारा चिकन नगेट्स का फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे इफ्तार में। और आप लोग की दुआ में याद रखिएगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग निशास वर्ल्ड।